संजय भंडारी मनी लॉन्ड्रिंग केस में पहली बार रॉबर्ट वाड्रा का नाम ईडी की ओर से सामने आया है। जी हां, मनी लॉन्ड्रिंग केस काली कमाई और नया खुलासा होता हुआ दिखाई दिया है। ये पहली बार है कि जब ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले में रॉबर्ट वाड्रा का नाम लिया है। ईडी ने एक बयान जारी करके कहा है कि उसने इस मामले में दुबई स्थित NRI व्यवसायी चिरुवथूर चुरुकुट्टी थम्पी और यूके के नागरिक सुमित चड्डा के खिलाफ एक नया आरोप पत्र भी दाखिल कर दिया है। आपको बता दें कि संजय भंडारी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने पहली बार रॉबर्ट वाड्रा का नाम लिया है। प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को आरोप लगाया कि रॉबर्ट वाड्रा ने लंदन में मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए अर्जित एक प्रॉपर्टी का रेनोवेशन करवाया था और उसमें रुके भी थे। ये जानकारी कथित बिचौलिए संजय भंडारी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को लेकर दी गई है। भंडारी साल 2016 में ब्रिटेन भाग गया था। ब्रिटिश सरकार ने ईडी और केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI के कानूनी अनुरोध पर कार्रवाई करते हुए इस साल जनवरी में भारत में उसे प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी थी। ईडी और CBI विदेश में कथित अघोषित संपत्ति रखने के लिए संजय भंडारी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और कर चोरी के आरोपों की जांच कर रही है। ये पहली बार है कि ईडी ने इस मामले में वाड्रा का नाम लिया है। ईडी ने जो बयान जारी किया है उसमें कहा गया है कि NRI व्यवसायी चेरुवथूर चकुट्टी थम्पी और यूके के नागरिक सुमित चड्डा के खिलाफ नया आरोप पत्र दायर किया है। आपको बता दें कि इस मामले में थम्पी को जनवरी 2020 में गिरफ्तार किया गया था। ईडी ने आरोप लगाया था कि वो वाड्रा का करीबी और सहयोगी था। थम्पी फिलहाल जमानत पर बाहर है। संजय भंडारी के पास विभिन्न अघोषित विदेशी आय की और संपत्तियां हैं, जिसमें नंबर 12 ब्रॉयस्टन स्क्वायर लंदन और 6 ग्रोसनवेनर हिल कोर्ट लंदन में निम्नलिखित संपत्तियां शामिल हैं। ईडी ने आरोप लगाया कि PMLA के प्रावधानों के अनुसार ये संपत्तियां काली कमाई से अर्जित हैं और सीसी थम्पी और सुमित चड्डा को इसे छिपाने और उपयोग करने में शामिल पाया गया। जांच में पाया गया कि थम्पी रॉबर्ट वाड्रा का करीबी सहयोगी है। रॉबर्ट वाड्रा ने न केवल सुमित चड्डा के माध्यम से लंदन में 12 ब्रॉयस्टन स्क्वायर में उपरोक्त संपत्ति का रिनोवेशन करवाया था, बल्कि उसी में रहे भी। वहीं ईडी ने यह भी दावा किया है कि रॉबर्ट वाड्रा और थम्पी ने फरीदाबाद में जमीन का एक बड़ा हिस्सा खरीदा और एक दूसरे के साथ वित्तीय लेनदेन किया। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा से ईडी पहले भी पूछताछ कर चुकी है और उन्होंने इसमें कहा है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। ईडी ने कहा कि दिल्ली की अदालत ने नवंबर में धन शोधन निवारण अधिनियम यानी PMLA की आपराधिक धाराओं के तहत दायर पूरक अभियोजन शिकायत पर 22 दिसंबर को संज्ञान लिया है। तो पहली बार ऐसा हुआ है जब इस मामले में रॉबर्ट वाड्रा का नाम आया है। वहीं आधिकारिक सूत्रों ने एक न्यूज एजेंसी को बताया है कि अदालत ने आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के बाद थम्पी और चड्डा को समन जारी किया है। चड्डा के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किया गया है, जो कि ईडी द्वारा समन जारी करने के बावजूद अब तक की जांच में शामिल नहीं हुआ है। भंडारी की भतीजी पूजा चड्डा की शादी यूके के नागरिक सुमित चड्डा से हुई है, तो ये कहीं ना कहीं कनेक्शन जो है वो रॉबर्ट वाड्रा का इस मनी लॉन्ड्रिंग केस से बनता हुआ नजर आ रहा है। तो आगे क्या कार्रवाई होगी इस पर रहेगी हमारी नजर। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे चैनल को, क्योंकि यहाँ मिलेगी आपको तमाम बड़ी खबरें।